चलिए, तो अब तक हम लोगों ने अपने लेक्चर के पार्ट वन में ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफार्मर के टाइप्स कौन से हैं ये हमने देखा, और उसके बाद हम लोगों ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा सीखा। लेकिन अब आप जो देखने जा रहे हैं उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करने वाले। स्टेप अप और स्टेप डाउन में जो फर्क है वो वही है कि स्टेप अप में वोल्टेज लो से हाई होता था, करंट हाई से लो होता था। दोस्तों अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और डाउन शब्द का अर्थ वोल्टेज से है, मतलब वोल्टेज इनपुट साइड से आउटपुट साइड में जाते समय हाई से लो होने जा रहा है। मतलब एसी वोल्टेज इनपुट में जो दिया गया वो हाई रहना चाहिए और आउटपुट में वो लो होना चाहिए। जो अरेंजमेंट आपके सामने दिख रही है वो पूरी एज इट इज है, सेटअप में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन सेटअप के अलावा जो इंटरनल एडजस्टमेंट है, जो कुछ खास चीजें हैं जहां बदलाव है वो है नंबर ऑफ टर्न्स को लेकर। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर से अब उसे हमें स्टेप डाउन में कन्वर्ट करना है, बोलो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में हमको पढ़ना है, तो उसमें हमें कुछ खास बातों का उसी तरीके से ध्यान देना होगा जैसा हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर दिया था। स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम थी, सेकेंडरी में ज्यादा थी, तो हमारे सेटअप की सबसे पहली शुरुआत स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इस बात का हमने ध्यान रखना चाहिए। हमें प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखने के पीछे का उद्देश्य एकमात्र है कि हम भली भांति जानते हैं पूरा सेटअप जो कंस्ट्रक्शन के साथ वर्किंग में हम देख रहे हैं वो आइडियल कंडीशन में काम कर रहा है, और आइडियल कंडीशन का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर के इस पूरे सॉफ्ट आयरन कोर से बने, लैमिनेटेड शीट से बने, मैं लैमिनेटेड शीट का मीनिंग क्लियर कर दूं, कुछ पतली पतली परतें होती हैं उसे हम लैमिनेटेड शीट्स कहते हैं। अब ये लैमिनेटेड शीट्स जो पतली पतली परतें हैं उनका झुंड बनाया गया, उनका ग्रुप बनाया गया, सामने से जो हमें दिखाई दे रहा लगता है कि सिंगल है वो बहुत सारा प्लेट्स का ग्रुप है, बंच है, और उस पर यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग की गई है और यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग की गई है। प्राइमरी वाइंडिंग मतलब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, क्योंकि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हैं। हमने इनपुट साइड में एसी वोल्टेज दिया है, जो भी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है वो वी सफिक्स पी है, जिसे हम हाई मान रहे हैं और मानना भी चाहिए क्योंकि प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में टर्न्स कम है। सो जो दिया गया प्राइमरी का वोल्टेज है वो वी सफिक्स पी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, चेंजिंग वोल्टेज है, तो फ्लो होने वाला जो करंट प्राइमरी में है वो भी चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट है। ये अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो हो रहा उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कुछ भी है चेंजिंग है, क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग है, चेंजिंग है, तो फील्ड चेंजिंग है। फील्ड चेंजिंग जो भी है वो लिंक कर रही है, पास हो रही है इस एरिया से, तो फ्लक्स बन रहा है। वो जो कुछ भी फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से लिंक कर रहा है उतना ही सेकेंडरी से भी करेगा, क्योंकि कंडीशन आइडियल है। सर लेकिन आजू बाजू में है, गैप है, तो ऐसा हो नहीं सकता, या आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि जितना फ्लक्स यहाँ लिंक करे उतना ही वहां लिंक करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ लीकेज होगा, 100% लीकेज होगा, 100% लॉस होगा, लेकिन प्रैक्टिकली, बट वी आर कंसिडरिंग द आइडियल केस, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो उसमें किसी प्रकार का भी लॉस नहीं है लीकेज का। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज यहाँ है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी है, लीकेज नाम की कोई चीज नहीं है, कि कंडीशन आइडियल है। सो जो भी रोल कॉल बचेगा नंबर ऑफ टर्न्स का ही बचेगा, क्योंकि लेंजेस के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फैराडे के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेंजेस के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक करता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को
अपोज करता है, चेंज करने वाले को अपोज करता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सो इसलिए वहाँ माइनस साइन भी मौजूद है। लेकिन जब हम आइडियल केस देखते हैं इक्वेशन वन और टू में और इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करते हैं तो हमारे आंखों के सामने बात आती है कि ES अपॉन EP जो कुछ भी रेशो हमें मिलेगा उस रेशो में d5p अपॉन dt, d5s अपॉन dt जो भी रहेंगे आपस में ये दोनों सेम है तो टर्म हो जाएंगी कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो जो आंसर आएगा वो ns बाय np के बराबर आएगा। मतलब EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी का रिलेशन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी से EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी का रिलेशन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बात में हमें कोई भी शंका नहीं है। जो भी नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे, बातचीत समझ में आ रही कि भाई प्राइमरी में ज्यादा है सेकेंडरी में कम है, लिंकेज प्राइमरी का वोल्टेज गया, प्राइमरी में करंट चेंजिंग आया, फील्ड आई, फ्लक्स आया, लिंकेज दोनों तरफ सेम था लेकिन दोनों तरफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का अमाउंट अलग अलग है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है इसलिए ईपी की वैल्यू बड़ी है, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ कम है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद कम है। लेकिन आइडियल केस होने के कारण हम कहते हैं कि सप्लाई वोल्टेज जो था अल्टरनेटिंग, उसकी वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट आया, उसकी वजह से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो एग्जैक्टली वीपी की वैल्यू ईपी के बराबर है और आइडियल कंडीशन है इसीलिए। उसी प्रकार जो ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस हुआ, जब वो कॉइल में सेकेंडरी में करंट फ्लो कराता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज एग्जैक्टली तुम्हारे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी के वोल्टेज के बराबर है क्योंकि कंडीशन आइडियल है। सो जो भी आउटपुट वोल्टेज है सेकेंडरी का वो कुछ ना कुछ कम मिलेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी क्योंकि ये स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। लेकिन जिस सिचुएशन में वोल्टेज स्टेप डाउन की बात हुई तो जो इंटरनल सेटअप किया गया वो करंट स्टेप अप के रूप में किया गया। आप देखोगे तो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो आपको दिखाई दे रही वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। जो प्राइमरी साइड में लेंथ दिखाई दे रही वो ज्यादा है लेकिन जो वायर है वो काफी थीन है, पतला है, कम एरिया वाला है। तो उसके पीछे का रीजन एकमात्र है कि हम चाहते हैं कि इस साइड में करंट कम हो और करंट कम रखने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स हमने ज्यादा सेटअप किए, लेंथ ज्यादा सेटअप करी क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। वायर थोड़ा थीन है, थोड़ा एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा सभी जानते हैं कि करंट की वैल्यू उतनी कम रहेगी। सो प्राइमरी में जो करंट मिलेगा वो कम मिलेगा, सेकेंडरी में करंट ज्यादा मिलना ही चाहिए तभी तो इसे स्टेप डाउन के साथ साथ, स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर के साथ साथ करंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी हम कह सकते हैं। तो आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में काफी कम है, लेंथ जो टर्न्स की मिल रही है वो भी काफी कम है लेकिन जो वायर है काफी थीक है, ये जो वायर है ये थीन नहीं है, ये काफी थीक है, ये काफी गाढ़ा है, ये काफी मोटा है। इसका मतलब है वो थीन है, ये ठीक है, मतलब एरिया ज्यादा है और सबको दिख रहा है रिलेशन कि एरिया ज्यादा है, लेंथ कम है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस 100% कम आएगा। रेजिस्टेंस कम आएगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो सेकेंडरी में करंट ज्यादा मिलेगा। सर इससे क्या साबित होता है? इससे एक बड़ा प्यारा रिश्ता साबित होता है कि जहां वोल्टेज कम होने जा रहा है वहां करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली करंट और वोल्टेज का रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हालांकि वो बात सुनने में अजीबोगरीब लगती है क्योंकि कोई भी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सोचता है V इक्वल टू IR है अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो। लेकिन मुझे बताइए इनपुट साइड से आउटपुट साइड में आप जा रहे हैं रेजिस्टेंस किस एंगल से कांस्टेंट दिख रहा है? यहाँ रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, वहां रेजिस्टेंस काफी कम है। जब दिख रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है वहां रेजिस्टेंस काफी कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो आप ओम्स लॉ कैसे अप्लाई कर रहे हो? सो यहाँ आइडियल कंडीशन अप्लाई की जा रही है जिसमें इनपुट साइड का पावर आउटपुट साइड के पावर के बराबर है, प्राइमरी का पावर सेकेंडरी के पावर के बराबर है। जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा कि जो ट्रांसफार्मर है वो प्योरली आइडियल कंडीशन में काम कर रहा है, यहाँ किसी प्रकार के लॉसेस नहीं है। इनपुट साइड में जो फ्रीक्वेंसी है सप्लाई की आउटपुट साइड में वही फ्रीक्वेंसी है, मतलब पावर लॉस नाम की कोई चीज यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ लीकेज का जो लॉस हो सकता है आइडियली माना जा रहा है नहीं हो रहा है, लिंकेज पूरी तरह से हो रही है, शीट्स लैमिनेटेड है, रेजिस्टेंस हाई जनरेट नहीं हो रहा है,
रेजिस्टेंस उतना है, जो कंट्रोल्ड है, डिवाइस में हीटिंग इफेक्ट कम से कम आ रहे हैं, कॉपर लॉसेस कम से कम है, एनर्जी लॉसेस कम से कम है, सबको कंट्रोल करके रखा जा रहा है आइडियल कंडीशन मानते हुए। रियल में सारे लॉसेस है, आइडियल में कोई भी लॉसेस नहीं है ये मानते हुए पावर इन द प्राइमरी पावर इन द सेकेंडरी के बराबर है। सो वोल्टेज इन द प्राइमरी करंट इन द प्राइमरी, वोल्टेज इन द प्राइमरी करंट इन द प्राइमरी, वोल्टेज इन द सेकेंडरी करंट इन द सेकेंडरी के बराबर है। क्योंकि वोल्टेज का मतलब पावर इंटू करंट, माफी चाहूंगा, पावर का मतलब वोल्टेज इंटू करंट होता है, जिसमें आप सब लोगों को दिख रहा है पावर प्राइमरी में है, सो वोल्टेज इंटू करंट प्राइमरी का है, पावर सेकेंडरी में है, सो वोल्टेज इंटू करंट सेकेंडरी में है। अगर आप इस वैल्यू को देखो तो आप सबको दिखाई देगा Vs के अपॉन में क्या चला जाए Vp, Vs के अपॉन में क्या चला जाए Vp, तो Ip के अपॉन में कौन आएगा Is। और यही बात हम लोगों ने यहां मेंशन की है कि EMF induced in the secondary, EMF induced in the primary का रेशो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी का रेशो, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी का रेशो, करंट इन द प्राइमरी विथ रिस्पेक्ट टू करंट इन द सेकेंडरी का रेशो, ये सब सेम है, इक्वलिटी है। और इस इक्वलिटी में जो एनएस बाय एनपी का रेशो होता है उसे कभी कभी हम के भी कहते हैं, जिसे टर्न्स रेशो कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। सर आपने पिछले वीडियो में नहीं बोला, नहीं नहीं दोनों एक साथ बोलना है इसलिए मैंने पहले नहीं बोला, सबको पता चलना चाहिए। वो भी जो स्टेप अप था उसमें भी ईएस बाय ईपी, NS by NP, VS by VP, IP by IS वहाँ भी था, वहाँ भी NS by NP K है, लेकिन वहाँ K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि वहाँ सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है। सो जिसमें टर्न्स रेशियो ग्रेटर देन 1 होता वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता, लेकिन जिसमें टर्न्स रेशियो लेस देन 1 होता, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन 1 होता, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, ऊपर की वैल्यू छोटी है, नीचे की वैल्यू बड़ी है, सो आंसर लेस देन वन है। ये पूरी तरह से जो बात मैंने आपके सामने रखी, मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड के एग्जाम में पूरा ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ आइदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऐसा नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे रूप में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है लेकिन उसमें भी स्पेशल है म्यूचुअल इंडक्शन। इफ सम डीसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, इफ सम डीसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, देयर विल बी नो आउटपुट बिकॉज इट वर्क्स ओनली ऑन एसी अल्टरनेटिंग सप्लाई। ऑफ जो भी सप्लाई हम दे रहे, हमारे घर में जो आता है होम अप्लायंसेस में जो हम इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसमें जो सप्लाई वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट का आता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सप्लाई होता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सप्लाई होता है। ये हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, करंट मिनिमम से मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि करंट सबको पता है पैरेलल में, क्योंकि घर के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज नहीं पैरेलल अरेंजमेंट होता है, तो करंट कम से कम भी फ्लो हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी फ्लो हो सकता है। मेन एसी सप्लाई बोले तो 230 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट, 230 टू 20 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट हम एसी सप्लाई की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर जिंदगी में सिर्फ दो ही है, स्टेप अप स्टेप डाउन, लोग चार बोलते हैं, चार नहीं है, दो ही है। स्टेप अप वोल्टेज वही मन में बन जाता है करंट स्टेप डाउन, वोल्टेज स्टेप डाउन वही मन में बन जाता है करंट स्टेप अप। जैसा आप देख रहे हैं कि आप प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, तो एक्चुअली बढ़ने के पीछे का रीजन है कि जो भी रिलेशन आपके सामने आ रहा है, हाँ, जो रिलेशन आपको दिख रहा है वो दिखता है वीपी का रिलेशन आईपी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वीएस का रिलेशन आईएस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये सब हो पाना संभव है क्योंकि प्राइमरी का पावर सेकेंडरी के पावर के बराबर है, क्योंकि इफिशियंसी आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% है, एक्यूरेसी 100% है, क्योंकि यहां किसी प्रकार के लॉसेस मौजूद नहीं है। अगर जरा भी लॉसेस का जिक्र होता, चाहे कॉपर लॉसेस हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज लॉसेस हो, हिस्टेरेसिस लॉस, कोई भी प्रकार के लॉसेस हो, यहां किसी प्रकार का लॉस मौजूद नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की 100% है, एक्यूरेसी ट्रांसफार्मर की 100% है। सर एफिशिएंसी क्या होती है, जब भी किसी प्रकार के आउटपुट पावर का इनपुट पावर के साथ रेशो लिया जाता है उसे इफिशियंसी कहते हैं।
किसी भी प्रकार के आउटपुट पावर का इनपुट पावर के साथ रेशो लिया जाता है दोस्तों, उसे इफिशियंसी कहते हैं। और यहाँ सबको दिख रहा है कि आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर है, मतलब रेशो की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 का मतलब परसेंटेज में होता है 100%। तो मैंने अपने तरफ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और जनरल भी आपके सामने डिस्कशन रखा। उम्मीद है सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे जरूरी पढ़िए, क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।